हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे कुत्तों की जो खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां, ग्रेट डैन। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो यह सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। 9वां, बॉक्सर प्रजाति। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। सुरक्षा की भावना के इच्छुक परिवार के लिए ये कुत्ते बेहतर विकल्प हैं। इनकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी है। 8वां, वुल्फ हाइब्रिड्स। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि कभी वे भेड़िए के वंशज हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में भी कुत्तों की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो भेड़िए और कुत्तों के संकरण से बनी है। कुत्तों की एक ऐसी प्रजाति वुल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो 1989 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हुई थी। 7वां, मालाम्यूट। मालाम्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़िए के समान दिखने वाला मालाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामक से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। 6वां, हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। यह जब आक्रामक मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। इसके काटने से किसी की भी जान जा सकती है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1989 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी थी। 5वां, बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी। 4वां, डाबरमैन पिंस्चर। डाबरमैन पिंस्चर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। 3रा, जर्मन शेफर्ड। पुलिसिया कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। 108 किलो से अधिक न्यूटन की शक्ति से किसी पर हमला करता है, जिसके बाद बचना मुश्किल हो जाता है। 2रा, रोटवेलर। रोटवेलर प्रजाति कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से किसी को काटने में माहिर होते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रोटवेलर के काटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में इस कुत्ते के काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रोटवेलर था। यह 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काटता है और उसे अपाहिज या मार देता है। 1वां, पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामक विस्फोट को रोकने के लिए व्यापक और उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है। 2014 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के काटने से 22 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।